सो स्पोर्ट्स एनिमे आर मोस्ट पॉपुलर एनिमे अमंग फैंस। एंड गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप डेफिनेटली काफी एंजॉय करोगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10, द प्रिंस ऑफ टेनिस। मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एनिमे ऐसे प्रोटैगनिस्ट को फीचर करते हैं जो कि स्पोर्ट्स में नए होते हैं, बट ये ट्रू नहीं है गाइस। इन प्रिंस ऑफ टेनिस में रायुमा इचिजेन, जो कि इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अमेरिका से जापान वापस आता है इस उम्मीद में कि वो जापानीज टेनिस वर्ल्ड को हिला के रख देगा। हालांकि इसके लिए अपनी मिडिल स्कूल टीम में एक्सेप्ट होना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट ईयर में था एंड उसे टॉप पर जाने के लिए दूसरे काफी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कम्पीट भी करना होगा। ओवरऑल गाइस, ये एनिमे आप काफी एंजॉय करोगे। नंबर 9, यामामोशी पैडल। गाइस, क्या आप ऐसा स्पोर्ट्स एनिमे देखना चाहते हो जो कि कैरेक्टर्स के साथ स्टार्ट से ही बिल्कुल फेरल हो? देन वॉच यामामोशी पैडल। साकामिची ओनाडा एक ओटाकू है जो कि रेगुलरली हैवी साइक्लिंग करता है चिबा टू अकीबारा सिर्फ एक एनिमे मर्चेंडाइज के लिए, एंड ये देख के उसकी स्कूल साइकिलिंग टीम काफी इम्प्रेस होती है और उसे रिक्रूट कर लेती है एज ए मेंबर। ओनाडा इससे पहले कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं था, बट जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसे साइकिलिंग करना पसंद है कॉम्पिटिटिवली एज ए पार्ट ऑफ टीम, और कुछ ट्रेनिंग के बाद वो खुद को सेट कर लेता है टू विन इंटर हाई। एंड गाइस, आगे जो होता है वो देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, सो इस एनिमे को डेफिनेटली वॉच करना। नंबर 8, फ्री इवाटोबी स्विमिंग क्लब। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे में से एक है और इसमें आपको मेल कैरेक्टर्स के द्वारा फैन सर्विस भी मिलेगी। एंड अगर आप साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ड्रामा देखना चाहते हो तो ये आपके लिए ग्रेट शो होगा। इस एनिमे की स्टोरी फोकस करती है उन हारुका, नानासी एंड द रेस्ट ऑफ द इवाटोबी स्विमिंग क्लब। वो अपनी टीम कैसे जीरो से बिल्ड करते हैं एंड वो अपने कॉम्पिटिशन में हाथ भी आजमाते हैं, बट उनके सबसे बड़े राइवल सामीजुका ए स्विमर्स, और इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको खुद देखना होगा। एंड आपके लिए ये गाइस एक कंप्लीट फन पैकेज होने वाला है, सो इसे जरूर वॉच करना। नंबर 7, एस ऑफ डायमंड। वेल, इस एनिमे में सावामुरु इसेन उसके एटिपिकल पिचिंग स्टाइल के लिए इनवाइट किया जाता है टू जॉइन सिदेहू हाई स्कूल बेसबॉल टीम, बट उसके फॉर्मर टीममेट्स उसके जाने से दुखी भी होते हैं, पर वो सभी उसे इंकरेज भी करते हैं टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इसके बाद उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि वो एक बड़े तालाब की छोटी सी मछली है और उसके दूसरे टीममेट्स काफी अमेजिंग है, बट वो भी पीछे नहीं रहना चाहता था। एंड इसके आगे आप ये देखने में काफी एंजॉय करोगे कि वो एक कैसे एस प्लेयर बनता है या नहीं, और उसके सामने कौन से चैलेंजेस आते हैं। आप इस एनिमे को रियली काफी एंजॉय करोगे। नंबर 6, प्रिंस ऑफ स्ट्राइड अल्टरनेटिव। तो गाइस, ये एनिमे फिक्शनल स्पोर्ट्स कंबाइन करता है जैसे पार्कौर, फ्री रनिंग, रिले एंड स्प्रिंटिंग, और नाना सुकुराई जो कि मेन कैरेक्टर है वो होनन एकेडमी में इंक रोल होता है जिससे कि वो स्ट्राइड टीम ज्वाइन कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली हिम एंड हिज फ्रेंड टाकुरा फुजीवावा के लिए सदस्यों की कमी की वजह से ग्रुप को डिस्बैंडेड कर दिया जाता है। सो गाइस, आगे चल के इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड इसलिए गाइस एक बार इसे जरूर वॉच करना। नंबर 5, SK8 द इन्फिनिटी। ब्यूटीफुल ओनिकावा में सेट SK8 इन्फिनिटी स्केटिंग के ऊपर बेस्ड एक यूनिक एंड एक्साइटिंग एनिमे है, और गाइस इसे उसी सेम पर्सन ने डायरेक्ट किया है जिसने फ्री एनिमे को भी डायरेक्ट किया था। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी सारे अट्रैक्टिव मेल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वेल, इसकी स्टोरी रेकी काइन जो कि अटेंड करता है हाई स्कूल और एक स्केट शॉप में वर्क करता है, बट एट नाइट वो अंडरग्राउंड स्केटिंग इवेंट में हार्डकोर स्केटर्स के सामने कम्पीट करता है। एंड गाइस, स्टोरी के साथ साथ एनिमेशन स्टाइल भी काफी इम्प्रेसिव है, सो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच है। नंबर 4, हाजिमी नो इप्पो। ये एक वेल लव स्पोर्ट्स एनिमे होने के साथ ही फैंस इसे अपने फेवरेट नाम भी देते हैं। सो इसकी स्टोरी में माकुनोची इप्पो को ऑल इज लाइफ बुली किया जाता है, और एक दिन एक ब्रूटल बुली डाउन की वजह से बॉक्सर ताकामुरा मामोरू को रेस्क्यू करके बॉक्सिंग जिम वापस ले जाया जाता है रिकवर करने के लिए। वंस ही वेकअप, ताकामुरा खुद को इंकरेज करता है पंचिंग बैग पर अटैक करने के लिए उसे बुली करने वाले की फोटो के साथ, इससे वो अपने बॉक्सिंग के पैशन को भी अवेक करता है। एंड अगर आप एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक ग्रेट चॉइस होगा। नंबर 3, यूरी ऑन आइस। इस एनिमे को नंबर 3 पर होना ही था, बोथ बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग स्केटिंग कोरियोग्राफी एंड इट्स ब्यूटीफुल क्यूट लव स्टोरी। यूरी ऑन आइस एक स्मैश हिट है। वेल, इसकी स्टोरी में यूरी कात्सुकी डिप्रेस्ड होता है अपनी ह्यूमिलेटिंग लॉस से, उसने लगभग फिगर स्केटिंग छोड़ दी थी, बट वो बदल जाता है जब उसके क्रश और स्केटिंग आइडल विक्टर निकफोर उसका एक स्केटिंग वीडियो देखते हैं। एंड इसके बाद वो जापान आते हैं टू पर्सनली कोच हिम फॉर द नेक्स्ट ट्रिक्स। सो हां गाइस, स्टार्ट टू एंड आप इस एनिमे की स्केटिंग, लव एंड एनिमेशन काफी एंजॉय करोगे। नंबर 2, क्रोकोस बास्केटबॉल। ये एनिमे लिटरली गाइस बास्केटबॉल मैचेस को मैजिकल बैटल्स की तरह दिखाते हैं, जो कि इसे दूसरे स्पोर्ट्स एनिमे से काफी यूनिक बनाता है। एंड आपको इसमें रियलिज्म नहीं बट आपको काफी ऑसमनेस देखने को मिलेगी। एंड इसकी स्टोरी अराउंड करती है तेत्सुआ कुरोको, जो
कि फैटम सिक्स ग्रुप का हाई पावर्ड मिडिल स्कूल बास्केटबॉल प्लेयर था और हाई स्कूल में वो बिना किसी जनरेशन ऑफ मिरेकल के मदद के बेस्ट प्लेयर बनना चाहता है एंड इंटर हाई स्कूल जीतना चाहता है। इट्स रियली नाइस एनिमे एंड ये आपके लिए वर्थ टू वॉच होने वाला है। नंबर वन, सो गिव अ बिग हैंड फॉर हेकायू। अगर आप इस एनिमे कम्युनिटी में नए हो तो तभी हो सकता है कि आपने इस एनिमे को नहीं देखा होगा, वरना इस एनिमे की इतनी हाइप है गाइस कि इसे हर एनिमे फैन ने देखा है। दैट बिकॉज इसके एक्सीलेंट आर्ट ऑफ एनिमेशन, ए ग्रेट कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक्यूरेटली वॉलीबॉल खेला जाता है। मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके लिए मस्ट वॉच एंड वॉच बिफोर डाई दोनों है। सो जाओ और इसे देखो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड ऐसे ही और एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए।